नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल चौधरी नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आज कोरोना वायरस और दिल के बारे में कुछ बात करूँगा आपसे। तो कोरोना वायरस के कई पेशेंट्स आजकल हमारे पास एबनॉर्मल हार्ट रेट लेकर आ रहे हैं, यानी जो दिल की गति है वो अनियमित हो रही है और ऐसे में काफ़ी पेशेंट्स को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जो हार्ट रेट है वो आप सब जानते हैं कि जो नॉर्मल हृदय की गति है 60 से 100 के बीच होती है। अगर एक नंबर दूंगा तो 72 है, तो एक आदमी की जो धड़कन है यानी जो दिल धड़कता है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। और जब भी ये धड़कन 60 से कम हो जाती है तो हम इसको ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, और 100 से ज़्यादा हो जाती है तो हम इसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। कोविड के पेशेंट्स के अंदर हम दोनों तरीके से देख रहे हैं, जो धड़कन अनियमित हो रही है, कुछ पेशेंट्स के अंदर धड़कन कम हो जाती है, कुछ पेशेंट्स में ज़्यादा हो जाती है। तो दोनों को एक एक करके देखते हैं अपन। तो जो टैकीकार्डिया है, टैकीकार्डिया यानी जो कोविड के पेशेंट्स के अंदर हार्ट रेट बहुत फास्ट हो रही है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो सिम्टम आते हैं वो आते हैं दिल की धड़कन उनको ज़्यादा महसूस होती है, दिल धड़कता है, ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, और ऐसे पेशेंट्स को खुद महसूस हो जाता है। और दूसरा तरीका होता है जब भी कोई पेशेंट पल्स ऑक्सीमीटर लगाता है अपना ऑक्सीजन देखने के लिए, और उसके अंदर वो देखता है कि मेरी पल्स रेट भी बढ़ी हुई है, 110 चल रही है, 120 चल रही है, और पेशेंट ऑब्वियसली घबरा जाता है। तो जो धड़कन बढ़ती है कोविड के अंदर उसके कई कारण हैं, और जो कारण हैं उनके बारे में बोलूँगा मैं कि जो जो सबसे कॉमन कारण हो रहा है वो कोविड की वजह से जो डैमेज हो रहा है हार्ट के ऊपर वो होता है। तो जो कोविड का जो वायरस है, कोरोना वायरस का जो कीटाणु है, वो डायरेक्ट हार्ट के अंदर जो दिल की नसें हैं उनको उनके अंदर संक्रमण करता है। जो हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है तो उसके अंदर जब भी डैमेज होता है तो हार्ट की गति बढ़ सकती है। और इसके भी दो तरीके हैं, जब गति नॉर्मली बढ़ती है, जैसे कभी भी कोई भागता है या फिर किसी को बुखार हो गया तो जो धड़कन बढ़ती है, और कुछ धड़कनें अबनॉर्मली बढ़ जाती हैं जिसके अंदर धड़कन 200 तक पहुंच सकती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो होती है जब धड़कन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, 150 से 160 से ज़्यादा हो जाती है, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है। और इसके अंदर हम अगर देखते हैं ECG के अंदर कुछ बीमारियां पकड़ सकते हैं, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन या फिर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो ये जो धड़कन है, जो धड़कन बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली हाई हो जाती है, तो ये इसके लिए ज़रूर आपको एक विशेषज्ञ की परामर्श लेनी चाहिए। और भी कई कारण होते हैं कोविड के अंदर धड़कन बढ़ने के। बुखार एक बहुत बड़ा कारण है कि जब भी पेशेंट को बुखार आता है तो उसकी धड़कन बढ़ जाती है, और जब बुखार टूटता है तो फिर धड़कन नॉर्मल आती है। तो बुखार एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण होता है खून की कमी, क्योंकि ऐसे कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं ले पाते, उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है, और हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना, पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो फिर बॉडी जो एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है धड़कन बढ़ा के, ताकि अगर धड़कन बढ़ेगी तो हार्ट जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा बॉडी को पहुँचा पाएगा एक मिनट के अंदर। तो खून की कमी की वजह से भी ये हो सकता है। चौथा एक कारण होता है थायराइड की बीमारी। तो जो कोरोना वायरस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो थायराइड की ग्रंथि होती है उस पे डैमेज कर सकता है, जिसको हम थायरोडाइटिस बोलते हैं। और थायरोडाइटिस के द्वारा जो है थायराइड, क्योंकि हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, हमारे हृदय की गति को भी कंट्रोल करता है, तो थायराइड पे भी अगर डैमेज होता है तो हृदय गति कम ज़्यादा हो सकती है। जो पांचवा कारण है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इनका जो बैलेंस है इसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी की जो हार्ट रेट है उसको बढ़ाता है कुछ केमिकल्स के द्वारा, जैसे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी हार्ट बीट को कम करता है, वो कुछ केमिकल्स के द्वारा कम करता है, जैसे एसिटाइलकोलिन। तो जब ये बैलेंस जो है सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक का, नॉर्मली हमारा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव रहता है और हमारी हार्ट बीट को कम करके रखता है। जब भी ये बैलेंस बिगड़ जाता है और सिंपैथेटिक ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो फिर हार्ट की गति है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ मेन कारण है हार्ट की गति बढ़ने के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस या एंग्जाइटी। तो कई पेशेंट्स स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से भी उनकी हृदय गति बढ़ जाती है। तो ये कुछ बेसिक कारण हैं। और उपचार की बात करूँगा तो उपचार के अंदर बहुत ज़रूरी ही है कि जो स्ट्रेस है उसको अपन दूर करें। उसके कई तरीके हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा, मेडिटेशन उसके द्वारा कर सकते हैं। जब ये एबनॉर्मली हार्ट टैकीकार्डिया हो जाता है एबनॉर्मली,
तो हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कई दवाइयाँ हैं जिसको हम हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। बट उसके अंदर ज़रूरी है कि हम देखें कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, तभी हम वो दवाइयाँ दें। तो ये बात हुई टैकीकार्डिया की। जो दूसरा स्वरूप है वो है ब्रैडीकार्डिया। तो कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं जो मेरे पास कोविड के पेशेंट्स हैं, जो पेसमेकर तक भी लगवाने आए हैं कि उन्होंने किसी ने बोला कि आपकी हार्ट बीट बहुत कम हो गई है और शायद आपको पेसमेकर की लगाने की ज़रूरत पड़े। तो ये जो ब्रैडीकार्डिया है, इसमें जो हार्ट बीट होती है वो 60 से कम हो जाती है। इसके भी जो कारण हैं वो लगभग कुछ मिलते जुलते से हैं। तो जो पहला कारण है वो जो वायरस है वो हमारे हार्ट की जो धड़कन बनाने की मशीनरी है उस पर डैमेज कर देता है। स्पेशली वो पेशेंट जिनके अंदर ये धड़कन बनाने की मशीन शायद पहले से भी कम है, जिसको हम सिक साइनस सिंड्रोम बोलते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं सिक साइनस सिंड्रोम के अंदर, जब कोविड हो जाता है तो फिर उनकी हार्ट बीट और कम हो जाती है, तो जिसको हम नॉर्मली ECG के द्वारा भी पकड़ सकते हैं। तो ये एक कारण होता है। दूसरा कारण होता है थायराइड की बीमारी हो जाती है इन पेशेंट्स के अंदर। थायराइड की हार्मोन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से भी हार्ट बीट कम हो सकती है। तीसरा एक प्रमुख कारण है ड्रग्स की। जो दवाइयाँ हम दे रहे हैं आजकल कोविड के उपचार के लिए, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके अंदर हार्ट बीट को कम करने की टेंडेंसी है। तो ये जो दवाइयाँ हैं, अगर ऐसी कोई दवाई चल रही है तो आपका डॉक्टर देख के उनको दवाइयों को बंद कर सकता है, जिससे कि आपकी धड़कन को नॉर्मलाइज़ किया जा सके। तो ऐसी दवाइयाँ बंद करने के यूजली दूसरे दिन बाद, तीसरे दिन बाद आपकी धड़कन वापस नॉर्मल आ सकती है। नॉर्मली जो ये धड़कन अगर सिक साइनस सिंड्रोम द्वारा होती है, यानी जो हार्ट की जो मशीन है जिससे हम धड़कन जनरेट कर रहे हैं वो अगर डैमेज हो जाती है, तो ये जो धड़कन कम होती है ये नॉर्मली 5-7 दिन चलती है और उसके बाद में सामान्यतया वापस नॉर्मल हो जाती है। कुछ पेशेंट ऐसे भी देखे हैं मैंने, बहुत रेयरली, जिनके अंदर 2-3 हफ्ते तक भी जो धड़कन है वो कम होती है। और ऐसे पेशेंट्स के अंदर जनरली सिम्टम आते हैं, चक्कर आना, पेशेंट को चक्कर आते हैं जब भी वो बैठ के खड़ा हो रहा है या लेट के बैठ रहा है, तो चक्कर आ सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को। बेहोशी तक भी आ सकती है कुछ पेशेंट्स को, जब आपकी हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है, 40 से भी नीचे रह जाती है, तो कुछ पेशेंट्स के अंदर बेहोशी आ सकती है। सांस फूल सकता है कुछ पेशेंट्स के अंदर। तो जो जनरली ECG द्वारा हम ये देख लेते हैं कि हार्ट बीट कम है या नहीं, कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें प्रोलॉन्ग्ड ECG या 24 घंटे तक लगातार ECG करनी पड़ती है, जिसको हम होल्टर मॉनिटरिंग कहते हैं, जिससे भी हम ये धड़कन, एबनॉर्मल धड़कन को पकड़ सकते हैं। जब हार्ट बीट स्लो रहती है ब्रैडीकार्डिया, इसके लिए भी इलाज के लिए हम कुछ मेडिसिंस होती हैं जिसको हम दे सकते हैं, जिससे कि ये धड़कन को हम नॉर्मलाइज करें। बहुत रेयरली कुछ पेशेंट्स को पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम एक टेम्प्ररी पेसमेकर या टेम्प्ररी तार डालते हैं जो दिल के अंदर जाता है, और जो धड़कन के लिए एक पेसमेकर हम बाहर से लगाते हैं, एक मशीन होती है जिससे कि हम इस धड़कन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। बट जैसे मैं बताया, ज़्यादातर पेशेंट्स मेडिकल मैनेजमेंट द्वारा ही ठीक हो जाते हैं। उनकी धड़कन कुछ टाइम बढ़ी रहेगी या कम रहेगी, बट स्वतः अपने आप वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी जब ये कोरोना वायरस का संक्रमण कम होगा या बॉडी की रिकवरी चालू होगी। तो इसीलिए घबराएं नहीं, विशेषज्ञ की राय लें, और आशा करता हूँ आप सब को कुछ फ़ायदा हुआ इस बात से, और आप सब स्वस्थ रहें, इसी की कामना के साथ। धन्यवाद।